साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टीचर हेल्पलाइन पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का भुगतान SNA पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से संबंधित विद्यार्थी, उसके अभिभावक या फिर उसके संरक्षक को बेनिफिशियरी के रूप में रजिस्ट्रेशन करते हुए ट्रांसफर किया जाना है, इसके संपूर्ण जानकारी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि विद्यार्थी, उसके माता पिता या फिर उसके संरक्षक के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए हमें SNA पोर्टल के माध्यम से संबंधित को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करते हुए राशि का हस्तांतरण करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में SNA सर्च करना है। SNA टाइप करने के बाद वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। हमें योजना संचालन पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमें SNA की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमें साथियों हमारा यूजर आईडी टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आइए जो हमारा बटन है इस पर हमें टिक करना है, उसके बाद लॉगिन बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे SNA में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के लिए कहा जाएगा, हमें सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। 3 मिनट का टाइम हमें OTP को फिल करने के लिए दिया जाएगा। हमें OTP फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। साथियों जैसे हम OTP वेरीफाई करेंगे, अब हमें कुछ नया इंटरफेस इस प्रकार का SNA पोर्टल का दिखाई देगा। अब हमें सेलेक्ट एजेंसी में सेलेक्ट एजेंसी नेम पे क्लिक करना है, उसके बाद विद्यालय के नाम पे टिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें हमारे विद्यालय का एजेंसी कोड, एजेंसी का नाम, एजेंसी के अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हमारे लिमिट जो हमें दी गई है वो हमें दिखाई देगी। एक्शन में हिस्ट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम हमारे सभी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अब हमें होम बटन जो नीचे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम होम बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमें पे मैनेजर का जैसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब साथियों अब हमें अदर बिल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अदर बिल पे क्लिक करने के पश्चात अदर बिल के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वेंडर बिल पे हमें क्लिक करना है। वेंडर बिल पे क्लिक करने के पश्चात एड वेंडर ग्रुप, अब हमें एड वेंडर ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे हम एड वेंडर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, अब हमें एड वेंडर ग्रुप में कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस दिखाई देगा। हमें एंटर ग्रुप नेम, यहाँ पर हमें ग्रुप का नाम एंटर करना है। इसमें हमें लिखना है ट्रांसपोर्ट वाउचर। साथियों ट्रांसपोर्ट वाउचर के अतिरिक्त आप अगर कोई नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप का यहाँ पर नाम लिखें। अब आपको सेलेक्ट पेमेंट टाइप इस पे क्लिक करना है। हमें ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए बेनिफिशियरी ऑप्शन का चयन करना है, उसके बाद सबमिट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमारा जो ग्रुप है वो सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। अब साथियों वेंडर का ग्रुप क्रिएट करने के पश्चात वापस से हमें अदर बिल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें जाना है। इसमें वेंडर बिल पे हमें जाना है और इसमें वेंडर मास्टर का जो आइकन हमें दिखाई दे रहा है, इस वेंडर मास्टर के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम वेंडर मास्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हमें हमारे जो भी बेनिफिशियरी हैं, अगर हमारे किसी विद्यार्थी का बैंक डिटेल है तो हमें विद्यार्थी की यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी है। अगर विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं है तो उसके अभिभावक या फिर उसके संरक्षक का नाम और उसकी जो सभी डिटेल है ये हमें यहाँ पर सबमिट करनी है। हमें संबंधित विद्यार्थी या उसके अभिभावक या उसके संरक्षक का नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है। उसके पेमेंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो हमें बेनिफिशियरी का यहाँ पर चयन करना है। बेनिफिशियरी के चयन करने के पश्चात ग्रुप नेम जो हमारा लिखा हुआ है इस पर हम टिक करें। इसमें हमें जो भी हमारे बेनिफिशियरी के ग्रुप है ग्रुप के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर का बेनिफिशियरी ग्रुप बनाया है तो हमें इसका चयन करना है। इसके पश्चात स्टेट का चयन करना है, राजस्थान। स्टेट के पश्चात वेंडर डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमें हमारे जिले का चयन करना है। जिले का चयन करने के पश्चात
अब हमें संबंधित का जो आईएफएससी कोड है बैंक का वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। आईएफएससी कोड टाइप करने के पश्चात हम आईएफएससी कोड को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद संबंधित का बैंक अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, उसके पश्चात उसका मोबाइल नंबर लिखना है। वेंडर टाइप पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पर्सनल जो आइकन है इस पे टिक करना है। हमारे वेंडर का क्या एड्रेस है, उससे संबंधित विद्यार्थी उसके अभिभावक या उसके संरक्षक का जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य नहीं है, ना हमारे लिए पैन कार्ड नंबर अनिवार्य है। ये सभी डिटेल सबमिट करने के पश्चात हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। साथियों, इसी प्रकार से एक-एक जो हमारा विद्यार्थी है उसका या फिर उसके अभिभावक या फिर उसके संरक्षक को हमें ऐड वेंडर डिटेल में बेनिफिशियरी के रूप में उसके डिटेल को यहाँ पर सबमिट करना है। एक बार किसी एक विद्यार्थी या उसके अभिभावक की जो वेंडर की जो डिटेल है उसको सबमिट करने के पश्चात जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक हम किसी दूसरे की जो डिटेल है उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक एक करके हमारे ट्रांसपोर्ट वाउचर के जितने भी लाभान्वित विद्यार्थी हैं उनके या उनके अभिभावकों की डिटेल को सेव करना है। उसके पश्चात ही हम आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। आगे आप किस प्रकार से उनको एसएनए के माध्यम से बिल जनरेट करके राशि ट्रांसफर करेंगे, कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे, इसके संपूर्ण प्रक्रिया की अलग से वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप एक एक करके आपके पीओ क्षेत्र में जितने भी ट्रांसपोर्ट वाउचर के जो पात्र विद्यार्थी हैं उन्हें आप इस प्रकार से जोड़ें, उसके पश्चात ही आप बिल जनरेट कर पाएंगे और आप उन बच्चों को राशि डीबीटी कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।